शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। ऐसा ही कोई डायलॉग सुनने के बाद या फिर ये सुनके कि शेयर मार्केट में तो लोगों के पैसे दो गुना हो जाते हैं, किस्मत अच्छी रही तो चार गुना भी हो सकते हैं, लोगों के हुए हैं तो हमारे भी तो हो ही सकते हैं ना। और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कुछ ट्रेडर्स के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख देख के कि किसी का 30 लाख का प्रॉफिट हो गया, किसी का 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, ये सब देख देख के राजकोट का एक 25 साल का लड़का रोहित इतना मोटिवेट हो जाता है कि जमीन बेच के जो 80 लाख रुपए उसके पापा ने उसकी शादी के लिए अरेंज किए थे उसमें से 60 लाख वो स्टॉक मार्केट में लगा देता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर सबको फायदा मिलता है तो मेरा भी तो पैसा बढ़ ही जाएगा। और जब वो अपने सारे पैसों को डूबता हुआ देखता है और समझ नहीं आता कि अब घर वालों को क्या जवाब दूंगा, तो डर के मारे खुद को ही खत्म कर लेता है। ऐसी एक नहीं अनेकों कहानियां हैं जो कि सच्ची हैं और उन जवान लोगों की हैं जो हद से ज्यादा स्ट्रेस में आए, एंग्जाइटी का शिकार बने और बहुत सारे लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे इसी गहरे कुएं से पानी निकालने के चक्कर में, जो पूरे देश की प्यास बुझाने की ताकत वाकई में रखता तो है। इस कुएं में दम तो इतना है कि आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो कि लोगों ने एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए कमाए, वो सब सच है। लोगों ने गाड़ी बंगला वर्ल्ड टूर सब किया, वो भी सब सच है। लोगों ने सिर्फ शेयर मार्केट के दम पे हजारों करोड़ का एम्पायर बना दिया, ये भी एकदम सच है। पर लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, बैंकरप्ट हो गए, ये भी बिल्कुल सच है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक वादा है कि आज मैं आपको शेयर मार्केट का अच्छा और बुरा दोनों चेहरे दिखाने वाला हूँ। और अगर आप बिल्कुल ही एक अनएक्सपीरियंस्ड इंसान हो और आपको शेयर मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, पर आप समझ के सीख के सच में ऑथेंटिकली अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके शुरुआती स्टेप्स एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, शुरुआत एग्जैक्टली करनी कैसे है, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक टिक के देखना है, आप ये वीडियो सबके साथ शेयर भी कर सकते हो, स्पेशली आपके करीबी लोगों के बहुत काम आने वाली है नॉलेज, क्योंकि ये वीडियो किसी को भी उसके पैसे शेयर मार्केट में बर्बाद करने से बचा सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, स्पेशली वो जो ट्रेडिंग करके क्विक पैसा बनाने की सोचते हैं, वो अपना पैसा लूज ही करते हैं। एंड द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट इज देयर थॉट प्रोसेस, द लॉटरी माइंडसेट। या तो उन्होंने देख लिया किसी का पैसा बढ़ते हुए 2 गुना 4 गुना 5 गुना होते हुए और उन्हें लगा कि उसका बढ़ा है तो मेरा भी बढ़ेगा ही, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट तो भाई पैसा बनाने की मशीन है और यहाँ बस एक आधा सही स्टॉक मिल जाए, कोई टिप मिल जाए और बस अगर किस्मत ने साथ दिया तो रातों रात छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा, रातों रात रईस भी हो सकते हैं। और यही वो 90% लोग हैं जिनका पैसा शेयर मार्केट में डूबता ही डूबता है। पर जो 10% लोग शेयर मार्केट से पैसा बनाते हैं, कंसिस्टेंटली बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा समझदार लोग होते हैं। और सबसे पहले वो किसी ना किसी सेंसिबल और एक्सपीरियंस्ड इंसान से, कुछ अच्छी वीडियोस के माध्यम से या कुछ बढ़िया किताबों के जरिए शेयर मार्केट को अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, फिर एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करते हैं। देखो पैसा बढ़ता है ये तो सच है, 2 गुना भी होगा 5 गुना भी हो सकता है, पर टाइम इज क्रूशियल। सिर्फ देख के मोटिवेट होकर तुरंत कूदने से अच्छा है कि टाइम कितना लगा उसे पहले ये पता लगाओ आप। इसके बाद ये देखो कि जो स्क्रीनशॉट्स आपने प्रॉफिट्स के देखे हैं, क्या उसने एक बार उतना पैसा कमाया या बार बार लगातार प्रॉफिट्स बना रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया और वही प्रॉफिट्स दिखा दिखा के आपको स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स या फिर अपने टेलीग्राम चैनल की या कोई क्लोज्ड ग्रुप की मेंबरशिप बेच रहा है और असली पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं बल्कि अपना कोर्स या फिर मेंबरशिप बेच के कमा रहा है। इसीलिए किसी से भी मोटिवेट होने से पहले ये पता लगा लूं कि आप जिस प्रॉफिट को देख रहे हो एक बार का है या वो इंसान लगातार प्रॉफिट्स बुक कर रहा है। एंड फाइनली आप ये भी चेक करो कि पैसा उसने लगाया कितना। हाँ ठीक है, 50 लाख का प्रॉफिट भी बनता है, 1 करोड़ का प्रॉफिट भी बनता है और 5 करोड़ का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो आप। शेयर मार्केट सच में गहरा कुआं है, पर पॉइंट तो ये भी है ना कि पैसा लगाया कितना उसने, कितना अमाउंट रिस्क पे था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या था, ये कुछ सवाल है जिसका जवाब आप खुद को ढूंढ के पहले ही दे दो। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम डैम श्योर कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए सीरियस हो और सच में सीखना चाहते हो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको शेयर मार्केट पैसा इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, आपका माइंडसेट होना कैसा चाहिए। 2 गुना और 10 गुना की सोच रखने की जगह आपकी सोच एग्जैक्टली कैसी होनी चाहिए अगर सच में पैसा बढ़ाना है तो। देखो पैसा एक टूल है जिससे हम अपनी जरूरतों से लेकर ख्वाहिशों तक हर चीज पूरी करते हैं, और ये जो पैसा है ये लगातार अपनी परचेजिंग पावर को लूज करता चला जा रहा है। चाहे आप बाइक लो, स्कूटी लो, घर लो, आप किसी भी चीज की बात कर लो, आज से 5 साल पहले वो चीज जितने में खरीदी जा सकती थी आज उतने ही पैसों में वही चीज आप खरीद ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सेविंग करनी शुरू करते हो और हर महीने 10,000 रुपए की सेविंग करते हो तो 3 साल के बाद आपके पास 3,60,000 रुपए होंगे। आपको मजा तो आएगा कि वाह
मैंने इतना सारा पैसा बचा लिया। पर पॉइंट यही है कि महंगाई बढ़ चुकी होगी और अल्टीमेटली सेविंग करने से देखा जाए तो आपके पैसे की परचेसिंग पावर लूज ही हो रही है। मतलब सेविंग इज इंडीड अ बैड आइडिया, सो वी मस्ट स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स करने से सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप महंगाई को बीट कर देते हो और आपका पैसा बढ़ता ही चला जाता है। अब अगर आपको समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट्स करनी ही है तो हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स में करना चाहिए। एसेट्स मतलब वो चीजें जो हमारे लिए और पैसा लेके आए, विच विल मेक यू मोर मनी। तो ये जो कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं ये वाकई में हमारे लिए एसेट्स का ही काम करते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि कंपनी का असली मालिक उसका फाउंडर, को फाउंडर या सीईओ नहीं होता है। उसका असली मालिकाना हक रखता है एक शेयर होल्डर, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उसका उस कंपनी पे उतना ही मालिकाना हक माना जाएगा, उसकी डिसीजन मेकिंग में भी उतनी ही चलेगी। इसीलिए आपने ये देखा भी होगा कि स्टीव जॉब्स को उसी की कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। मतलब क्लियर है कि भले ही आप फाउंडर हो पर मालिक तो वही होगा जिसके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी। अगर वो कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट्स बनाएगी, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, उसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा। मार्केट कैप का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू और प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो कंपनी की ग्रोथ पे शेयर प्राइस अपने आप बढ़ेंगे और शेयर प्राइस बढ़ने पे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आप ये तो समझ चुके हो कि कंपनी बढ़ेगी तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे, पर सवाल यही आ रहा होगा मन में कि हम पता कैसे लगाएं कि ये कंपनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। चलिए ये भी समझते हैं। शुरुआत में इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। आपको बस अपने ही डेली एक्टिविटीज में गौर करना है, ये नोटिस करना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में एज अ आम आदमी आप क्या क्या चीजें यूज करते हो, आपके घर में क्या क्या यूज होता है। मैं आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि शुरुआत में आपको हल्का सा एनालाइज करने की जरूरत है। बस टाटा, कैडबरी, डोमिनोज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस, हर घर में कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट्स यूज होते ही होते हैं। तो बस यही पता लगाओ कि जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स आपके घर में आते हैं वो एक लिमिटेड कंपनी है कि नहीं है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या नहीं। अगर वो लिस्टेड है तो आप थोड़े बहुत फंडामेंटल्स चेक करके जो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज लगे उसमें आप तुरंत अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। बाकी इस चीज को एकदम डिटेल में समझने के लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप जरूर वो वीडियो देख सकते हो और एज अ बिगिनर फंडामेंटल एनालिसिस करना आराम से सीख सकते हो। नाउ राइट आफ्टर यू ओपन योर डीमैट अकाउंट, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन आपके लिए यही है कि आप फटाफट से 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज करो, जो कि देख लेना कि निफ्टी 50 में भी हो। अब निफ्टी 50 का मतलब है कि मार्केट कैप के हिसाब से भारत की जो 50 टॉप कंपनीज होती हैं उन्हें निफ्टी 50 के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो आप इनमें से कोई भी टॉप 5 कंपनीज अपने हिसाब से चूज करो और शुरुआत में कुछ अच्छा सा अमाउंट इनमें इन्वेस्ट कर दो। अब आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में लोग तो कहते हैं कि पहले सीखो, समझो, पेपर ट्रेड करो, पता लगाओ कि शेयर ओवर प्राइज्ड है या अंडर प्राइज्ड है, पी रेशो देखो, ईपीएस देखो, फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की सोचना। पर आप कह रहे हो कि सीधा 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज करो और इन्वेस्ट कर दो, ऐसे कैसे, ऐसे तो हमारे पैसे डूब भी सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं डूबेंगे। इसीलिए आई सेड कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को अगर आप चूज करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलेगा कि बस एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी जेब से, फिर देखना आपका दिमाग कैसे काम करता है। वही बातें जो हो सकता है पहले आपको बोरिंग लगती हो, मजा ना आता हो, इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद आपका दिमाग हर बात जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है हर चीज सीखना चाहेगा। देखो, जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। आप सीखने के लिए ओपन हो जाओगे, आपका दिमाग खुद से इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। जब जब आप फ्लक्चुएशंस देखोगे तो आपका मन करेगा जानने का कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, अगर कम हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। और जब ऐसे ही सवालों के जवाब आप ढूंढना शुरू करोगे तो शेयर मार्केट का ज्ञान अपने आप आपका दिमाग बटोरता चला जाएगा। अगर पैसा लगा ना हो तो दिमाग भी उतनी मेहनत नहीं करता। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग जस्ट बाय रीडिंग अ बुक ऑन हाउ टू स्विम, यू विल हैव टू गेट इनसाइड द वॉटर। थोड़ी दिक्कत परेशानियां भी होंगी, कभी नाक में भी पानी जा सकता है, पर ये सब होने के बाद ही आप एक जबरदस्त तैराक बन सकते हो। एक बार जब पैसा लग गया फिर आप सीखना शुरू करो। आई बटन पे मैं आपको एक पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वो कंटेंट कुछ ऐसा है कि अगर आपको एकदम जीरो नॉलेज है वहां से भी स्टॉक मार्केट के बारे में एक अच्छी समझ डेवलप कर लोगे और बड़े आराम से इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक कर पाओगे आप। पर वो सारी वीडियोस देखने के लिए ना, वो सब कुछ सीखने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, पेशेंटली सीखना पड़ेगा। और उतना ज्यादा टाइम लगा पाने का मोटिवेशन आता तभी है जब आपने उस फील्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो। सो माय स्ट्रॉन्ग एडवाइस फॉर यू इज जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। उसके बाद काफी सारी चीजें जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है, SIP क्या होती है, कैसे करनी होती है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन सारी चीजों को सीखने के लिए पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपसे सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं, जो मैं सच में चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में छाप लो और जितने भी लोगों तक ये बातें पहुंचा सकते हो जरूर पहुंचा देना। सबसे पहली बात, शेयर मार्केट एक गहरा कुआं ही नहीं, पूरा एक समंदर है। इसमें 1-2 लाख, 5-10 लाख की बात छोड़ो, 500 करोड़ भी आ सकता है महीने का। पर ध्यान रहे, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, रातों रात रईस नहीं बनते हैं।
स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी तो चलती ही नहीं है, यहाँ पेशेंस चाहिए, सीखना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। और अगर आपको ये बात पता है कि आप में नहीं है पेशेंस, तो मैं एक दोस्त के नाते आपको साफ बोलूंगा कि मेरे भाई इस फील्ड की तरफ गलती से भी मत देखना, ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं। चाहे इन्वेस्टिंग हो या फिर ट्रेडिंग, पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए। इस वीडियो में हमने मेजरली इन्वेस्टमेंट्स की बात करी है, पर अगर हम ट्रेडिंग की बात भी करें तो ट्रेडिंग भी एटलीस्ट आपको 6 महीने तक सिर्फ सीखना चाहिए। ट्रेडिंग भी कई तरह के होते हैं, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो इन सब में से पहले आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है, सीखना क्या है। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि शुरुआत आप इन्वेस्टमेंट से ही करना, ट्रेडिंग की तरफ शुरुआत में तो बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि शुरुआत में ट्रेडिंग के अंदर आपके पैसे जाएंगे ही जाएंगे। और जब पैसे जाते हैं ना, तो सच में बहुत बुरा लगता है। ट्रेडिंग की कई बार लत भी लग जाती है, एक आधी बार अगर ट्रेड सही हो जाए और पैसे आ जाए तो इंसान सपने इतने बड़े देख लेता है कि बस अगर हर दिन इतना ही पैसा आ जाए, और अगर मैंने कैपिटल बढ़ा दिया तो आज 1000 रुपए का फायदा हुआ है, बस अगर कल मैंने कैपिटल बढ़ा दिया तो 10,000 का भी फायदा हो सकता है, कैपिटल धीरे धीरे और बढ़ा दूंगा, एक दिन का 1,00,000, और इस हिसाब से बस इसी साल घर गाड़ी सब हो जाएगी और अपनी जिंदगी तो बिल्कुल सेट। फिर जब वो अगले ट्रेड के अंदर ज्यादा कैपिटल लगा देता है तो झटके में सारे पैसे जाते हैं, पर बंदे ने सपना तो देख लिया, अब वो सपना उसका आसानी से उसका पीछा छोड़ता भी नहीं है। एक और बार करके देखता हूँ, एक बार और करके देखता हूँ, और ऐसा करते करते सब गवा बैठता है बंदा। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि शुरुआत में ट्रेडिंग नहीं करनी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और ट्रेडिंग करो भी तो पहले पेपर ट्रेड करो, पहले इमोशनल बैलेंस लेके आना, इमोशनली स्ट्रांग बनना सीखो, फिर एक्चुअल ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो आप। और हाँ, ये भी बात सही है कि प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए 1 साल की लर्निंग भी कम होती है, तो सीखते चलो आप। और जब तक अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ना आ जाए तो अपने कैपिटल को बस उतना ही रखना जितना अगर रोड पे चलते हुए आपके कहीं गिर भी जाए, खो भी जाए, तो भी आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। अब कई लोग सोचेंगे कि सर इतना टाइम लगेगा क्या? Yes. टाइम तो लगेगा, प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, टाइम तो लगता ही लगता है ना दोस्त। चाहे आप डॉक्टर बनने की सोचो, चाहे इंजीनियर बनने की सोचो, चाहे आर्किटेक्ट, वक्त तो लगता ही है। और स्टॉक मार्केट में आपको वक्त देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, इसलिए कई बार जल्दी पैसा कमाने की चाहत रखने वाले लोग क्रिप्टो की तरफ चले जाते हैं कि भाई यहाँ पे वॉलेटिलिटी जबरदस्त है, यहां वक्त लगेगा और पैसा भी बनेगा। तो एक बार अगर सीखने पे आपने वक्त दे दिया तो इतना बनेगा कि आप संभाल भी ना पाओ। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू फॉर अ क्विक फेवर, इफ दिस वीडियो हैज बीन ऑफ वैल्यू फॉर यू एंड यू हैव रियली एंजॉयड द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ यू डिडंट लाइक इट, यू कैन ऑल्सो हिट द डिसलाइक बटन। इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। सो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है आपके सपोर्ट को देख के, कितना अच्छा फील होता है। तो आप कमेंट करके स्टॉक मार्केट के बारे में आपके व्यूज क्या हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आप जरूर शेयर करें, ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए और एक दूसरे से ही काफी सारी चीजें सीख भी पाए। इस चैनल पे इस तरह के इंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत जबरदस्त वीडियोस और भी आने वाली है, बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर न्यू वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑन दिस चैनल। सेटिंग्स में भी एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर ऑल योर नोटिफिकेशंस आर टर्न्ड ऑन। आई होप यू हैव एन अमेजिंग टाइम अहेड। और हाँ, बिफोर यू लीव, आई जस्ट हैव समथिंग टू शेयर। वॉट आर सम डार्क सीक्रेट्स अबाउट मनी जो हमेशा गरीब और मिडिल क्लास से छुपाए जाते हैं? स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी हमें नहीं सिखाता, पर इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, विराट कोहली, सबकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? राइट वाली वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे।